एक साधारण परिवार रु जाई जातीय आ अंतर्जातीय स्तर रे 11 टी गोल्ड मेडल हासिल करिसंती राउरकेला सेक्टर 6 रो पंकज परिडा झियो अर्पिता परिडा। केवल अर्पिता नुहे भाई आशुतोष मध्य जातीय आ अंतर्जातीय स्तर रे 3 गोल्ड मेडल हासिल करिसंती जूनियर आ सब जूनियर रैंक रे। तबे केवल से दुई जन खेलाड़ी केवल आम देश नुहे राज्य पई नुहे समस्त गौरव आनी देती आज जातीय क्रीड़ा दिवस रे प्रथम मुझे स्वागत करुच धन्यवाद दौची आमको गर्वित करे सीधा सड़क आम सहित से जोड़ी होती मुहर शुणा खेल पक्षर रहस्य कौन केमती से खेल आरंभ करते कौटू प्रेरणा पाई आभली से एत उत्साहित होते हो प्रेरित हो आज देश को गर्व आनी तेरे रिसेंटली तुम्हें गोआर जो खेल आयोजन होता से तुम गोल्ड मेडल भी पाइ तेब यू 11 टी गोल्ड मेडल एक साधारण घर झीवर जा जातीय और अंतर्जातीय स्तर में खेल केमती एक सब आरंभ कौटू करते कौटू प्रेरणा पाई समस्त फर्स्ट नमस्कार आउ हैप्पी नेशनल स्पोर्ट्स डे। मोर स्पोर्ट्स करियर मोर क्लास 8 रू स्टार्ट करी से मो स्कूल जो पीटी सर थे सुजित कुमार सर तांगे से मत बहुत मोटिवेट करते गेम स्पोर्ट्स का तो पेरेन्ट सपोर्ट भी थी मुझे इंटर स्कूल्स खेलु थी सी बी एस ई मीट यू खेली थी स्टेडियम इस्पात स्टेडियम जॉइन करी तापर स्टेट मीट जा तो से मोर किसी मेडल्स हो नाला तो निराश हो जाइए भाभी स्पोर्ट्स करियर मोपाई का ना छाड़देवी स्पोर्ट्स पाठपढ़ा ही कंटिन्यू करी तापर घरे बहुत मोटिवेट कले सुजित सर भी जी सी भी बहुत मानने कहले कि ना तोर स्पोर्ट्स भल हम तो पेरेन्ट सपोर्ट अच्छी मुझे बहुत सीखे भी आउ तू तो गाइडेंस भी पाच स्टेडियम जाइए तोर स्पोर्ट्स भल हम तू कै तो से गलापर मोर फर्स्ट स्टेट मीट जो तो ताथे मो किछ मेडल हो नथिला कांदी थिली बहुत तो मते हेटी कहथिले कि एटा को तू तोर गोटे पॉजिटिव नहीं कि तू आउ टिके प्रैक्टिस कर भलसे टारगेट धरे तो सेटी स्पोर्ट्स मु कंटिन्यू करली सेटी मोर देखा हेतिला मोर सर कोच अछंती मिस्टर अशोक कुमार प्रसाद सी मते ट्रेनिंग देथिले डाइट प्लान देथिले तांको गाइडेंस से रही कि मोर फर्स्ट स्टेट मीट रे मु ब्रोंज मेडल हासिल करी से मते इंटरेस्ट आउटे बढ़ीला कि हाँ मुझे आगे भल खेली तांको गाइडेंस से रही कि वर्तमान मु 3 नेशनल गोल्ड मेडल आनी और 3 इंटरनेशनल भी गोल्ड मेडल आनी 3 डिस्कस थ्रो रे 3 नेशनल 3 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल आउ कौन रही खेल जमी आपते सर्टफुट भी आपते वेट लिफ्टिंग भी से कौन सफलता पाई शॉर्टपुट आउ वेटलिफ्टिंग मोर एक्स्ट्रा इवेंट होची शॉर्टपुट रे मोर गोटे इंटरनेशनल गोल्ड मेडल अच्छे आ 2 नेशनल गोल्ड मेडल आउ वेटलिफ्टिंग रे गोटे नेशनल गोटे इंटरनेशनल मेडल अच्छे साधारण घर झील घर आपस्थित सेमती ना जो खेल आपन को अधिक मिल अधिक सहायता मिल कि सहयोग मिल साधारण घर बाहर की जाते बहुत सारा बाधा विघ्न आसो से बाधा विघ्न को कमी फेस कर पेरेंट्स मैंने मत के को जिनस डिस्करेज करना सब थे एनकरेज करती तो जिते स्पोर्ट्स करियर को मुझे गली तो बहुत खर्च भी ताथेर रोच पेरेंट्स मैंने सब फुलफिल कर सब जिनस तो जेहेतु गवर्नमेंट हो कि आम लोकल जमी आरएसपी रोचे थ्रु मत किसी सपोर्ट कि मानने फैसिलिटीज मिलनी तो मोर जो इक्विपमेंट्स और सप्लीमेंट्स रोचे भी फुलफिल कर कष्ट हुए बट पेरेंट्स मैंने 100% दिखते सी मत सब जिन जोगे पारंतु बोली आ गोटे जिनस कहते गवर्नमेंट तरफ आपको सहायता मिलनी तथापि आप 11 गोल्ड मेडल पाइले तेज आग को आपंकर प्रयास जारी रगो को कौन लक्ष्य रही आपंकर बर्तमान मो एम तो 2024 पेरिस ओलंपिक्स अच्छे तापाईका कोच भी मत बहुत मानते ट्रेनिंग हार्ड प्रैक्टिस कराऊंट तो होप रोचे कि सेठी मु मेडल आनी जदि भी मेडल न हो मोर 100% सेठी दबा को चाहे आग को केवल खेल सहित आपंकर रुचि खेल अच्छी कि पाठपढ़ा जो रही पढ़ुंट ये दुईटा जिनस को कमती मैनेज कर पाठपढ़ा बहुत जन कहते पाठपढ़ा और स्पोर्ट्स पैरेलल जापर जमी आम सिंगिंग डांसिंग देखुचु सेमती स्पोर्ट्स भी पाठपढ़ा सागे पैरेलल जापे मुझे प्लस टू कम्प्लीट करके रिम्स बीबीए करुच्ची मत आज तक किसी भी मानने एमती खराब परसेंटेज आसनी कि मु फेल होनी तो पाठ सागर स्पोर्ट्स पैरेलल जापे आम देखु आप जो ग्राउंड रु खेल आरंभ कर ग्राउंड बहुत अवहेलित मानते एमती कि से ग्राउंड रवस्था एमती ना से प्राक्ट करहब तेब एभली एक ग्राउंड रु बाहर की जाती एक सपोर्ट गवर्नमेंट सपोर्ट भी आपको ना केवल कोच आ लोक सपोर्ट्रे तेज आप जो लक्ष्य रखिंट से लक्ष्य केत दूर आशा रही आपत पूरण करें
लास्ट 2 इयर्स कोविड पाइंका स्टेडियम बंद हबार आम बहुत प्रॉब्लम फेस करथिलु, तो निज प्रैक्टिस बंद करिवा जगार आम तार सब्स्टिट्यूट जगह खोजुथिलु, तो घर पाखे गोटे फिल्ड मिलला, जिते दूर संभव होता आम सफा करी गोटे सीमेंटेड पिच बनई जी इनिशियल आम दरकार गोटे बेसिक जिनस थ्रो पाइंका से आम कर प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ, तो जाना ना थिला ये छोट फिल्ड रू बाहर की भी आम एत भल लेवल पहुँची पारू, तो आम एपिल भी आरएसपी को कि ग्राउंड टी मेन्टेनेंस नि जाओ टे देखु कहीं बिकज स्टेडियम उपर आम सदा डिपेंडेंट रही पार्न संडेज को बंद रही जा हटात कोविड किसी भी सिचुएसन आस बंद हो तो आम हार्ड प्रैक्टिस करुचु एत, तो अधा रास्तार बंद कर जगह आम सब्स्टिट्यूट जो जगह खोजु से मेन्टेनेंस जब बढ़ा होने आम ये डेवलप करके भावु आहरी बहुत थ्रोट्स बाहर यूठ निश्चित भाव जमी आम देश में कि राज्य में क्रिकेट को गोटे जिन सब अधिक प्रोत्साहन दिखाई एवं हॉकी को मध्य अधिक प्रोत्साहन दिखाई सेमती कितु आप डिस्कस थ्रो जो कहते वेट लिफ्टिंग कहते कि सर्टफुट कहते एत प्रोत्साहन दि जाऊनी जहाँफल खेला मैंने आहरी उत्साहित हे तेज कौन रही आहरी राज्य सरकार आहरी अधिक प्रोत्साहन आवश्यकता रही या प्रति दृष्टि देवा आवश्यक नुहे कि हाँ दृष्टि तो दबा कथा बिकज जमती क्रिकेट हो गला फुटबॉल टेनिस बैडमिंटन ये सब गेम लोक डेली शुणुंच जानुं थ्रोइंग गोटे एमतिया गेम होची वेट लिफ्टिंग भी लोक जानुं बहुत थ्रोइंग गोटे एमती इवेंट हो जाऊँगी जोटा कि लोक मैंने भावते बहुत कष्ट गेम हो पारनी एटा संभव हो पार तो यहाँ जेहेतु बंद होते वर्ष है कि इंडिया रू बाहर से हुए तो गवर्नमेंट आपको ये फैसिलिटीज दौनी कि अणदेखा करदे तो जमी मु भाई मो सांगे आहरी 5-6 जन पिला अच्छा जो मैंने सब जूनियर जूनियर खेलुं से मैंने भी बहुत भल परफॉर्मेंस दौरान तो आम टीम रू जमी आम 8-9 जन बाहर सेमती अलग अलग स्टेट्स रू भी बाहर तो गवर्नमेंट जदि यही इवेंट को भी से फैसिलिटीज दब से सपोर्ट कर तो इंडिया रू हुए तो थ्रोइंग इवेंटर बहुत बड़ टीम बाहर जमी मेगा इवेंट हूँ विश्वर मेगा इवेंट हूँ ओलंपिक बर्तमान जी नंबर 1 अच्छी यूरोप सांद्रा पेरकोविक सी मोर आइडल मुझे ही देखिकी गेम कंटिन्यू कर मोर बर्तमान एम अच्छी थे देखा करार अच्छे सांग कंपिटन देवार अच्छे हे तो फर्स्ट टाइम तक बीट न कर पारे हेले टारगेट सी ही रे सदा बेले निश्चित भाव लक्ष्य बहुत दूर यात्रा भी बहुत दूर आशुतोष छोट बयसरु भौणी भली आपण मध्य डिस्कस थ्रो रे तीन तीन टी गोल्ड मेडल पाई आउ जातीय आउ अंतर्जातीय स्तर रे केमती ये खेल कोटु प्रैक्टिस कले प्रैक्टिस स्टेडियम रु करथिलु सर आमो सिखैथिले आउ फर्स्ट नेशनल जाइथिले सर आमो नेथिले इटावा यूपी को आउ सेकंड तो मु जाइथिले इंटरनेशनल सेठी नेपाल रे मोर गोल्ड मेडल हितला डिस्कस रे काहाटू निज काहाटू आपण प्रेरणा पाइले ए जो डिस्कस थ्रो पई कारण आपण को भौणी जी अछंती से जने भलो डिस्कस थ्रो जूनियर रे तबे तांकोठू ए प्रेरणा पाइले ना आपण को आउ कोन इच्छा थिला ना आउ कोन इच्छा अछि ना सेटा त दीदी पाखरी सिखि छी सब आउ अछि मो बिसे सांद्रा होलिया करिया को इच्छा होती तो एबे आपण पाठ पढुछंती हां तो पाठ पढ़ा संग को खेल केमती मैनेज करछंती हां करिया गुट त पड़ती सखळ प्रैक्टिस करला पर मन ता पर आसी पढिया को पड़ती करूची आगो को कोन लक्ष्य अछि आगो त अछि वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलिया पई निश्चित भाव आपण जी सुनुले से दुई खेलाड़ी दुई महान खेलाड़ी जदि कह आम अत्युक्त हवा नहीं जो मैंने 11-11 गोल्ड मेडल आनी अर्पिता परिडा और तीन तीन टी गोल्ड मेडल सब जूनियर आनी भाई जी आशुतोष परिडा तबे एक साधारण गरीब परिवार रु जाई जातीय और अंतर्जातीय स्तर रे खेली ना कमाइबा एक छोट कथा नुहे लक्ष्य बहुत दूर अच्छी आउ ए भाव राज्य सरकार हॉकी किंबा अन्यान्य खेल को प्रोत्साहन दौंस से भाई भाव जदि डिस्कस थ्रो किंबा जो वेट लिफ्टिंग हैला किंबा जो सर्टफुट हैला एभली खेलाड़ी मानको जदि आनुषंगिक उपकरण जोगे दिया जाय पारे आउ तांको जदि प्रोत्साहित करा जाय पारे तबे आगो को एमाने केवल राज्य नुहे किंबा देश नुहे समस्तंको गौरवान्वित करिवे निज खेल प्रदर्शन करी आउ निजर उच्चकोटीर खेल प्रदर्शन करि पारिवे राउरकेलारु कैमरा पर्सन रविदास के सह अमीर रंजन परिडा अर्गस न्यूज जमती अन्य खेल मान को प्रोत्साहित कराई अन्य खेल मान को सब आनुषंगिक उपकरण जगह दिखाई जो डिस्कस थ्रो रही 11-11 गोल्ड मेडल कितना किसी साहय नहीं
କେମିତି ଏକୁ କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ? ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ କହିବି କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡିସ୍କସ୍ କୋଚ୍ ବିଲକୁଲ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏନ୍ଆଇଏସ୍ରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ରହିକି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି କୋଚିଂ ଦେଇଥାନ୍ତା ପ୍ୟାଟର୍ନମାନଙ୍କୁ, ପିଲା ବହୁତ ବାହାରନ୍ତା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋର ପ୍ଲେୟାର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲେୟାର ବି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କି ମୁଁ ନିଜର ଥ୍ରୋ କରୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଥିଲି। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ 90ରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛୁ। ବହୁତ ପିଲା ବାହାରିଛନ୍ତି, ପିଲା ଜବ୍ ବି କଲେଣି, ଆଉ ସେ ତା ମଝିରେ ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଡିସ୍କସ୍ ପୁରା ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ତ ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଶିଖାଉଛୁ ମୁଁ। ହଁ ହଁ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଚ୍ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଥିଲା, ଡମ୍ପିଂ ଏରିଆ, ତାକୁ ପୁରା ଆମେ ଠିକ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ, ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସମସ୍ତେ ନିଜ ମାନେ ଛୁରୀ କିଣିକି ଘାସ ଗୁଡ଼ା ନିଜେ କାଟିକି ସଫା କରିଛୁ। ସମସ୍ତ ସେଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଏଥିରେ କି ଏଇଠୁ ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ହିଁ ସବୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିଲେ ଆମର, ତ ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆହୁରି ପିଲା ବାହାରିବେ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିକିଏ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତା, ଟିକିଏ ଡୋଜର ଲଗେଇ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତା, କି ଆମକୁ ଟିକିଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରେଇ ଦିଅନ୍ତା, କି ପିଲା ସେଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁର ହେଇପାରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ ବାହାରି ପାରନ୍ତୁ। ପଙ୍କଜ କୁମାର ପରିଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାରର, ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ବହୁତ ଧନୀ କି ବହୁତ ପଇସାବାଲା, ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଆପଣ ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଝିଅର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ଝିଅର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କେମିତି ଆପଣ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି? କେଉଁ ହିସାବରେ ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂରେ ଏସବୁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ୟା ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି? ଅସୁବିଧା ତ ବହୁତ ହେଉଛି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କେମିତି, ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ମୋତେ, ଆଉ ଯାହା ଆମ ନିଜର ଦୋକାନରୁ ହେଉଛି କିଛି ସେଇ ପଇସାରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଝିଅ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ଗର୍ବିତ? ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ତା ପାଇଁ ତ ମାନେ ଭାଷା ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ସେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରୁଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଉପରକୁ, ଆଉ ନ ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି କିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଟିକିଏ ଆହୁରି ଭଲ ତାଙ୍କୁ ଡାଏଟ୍ ବି ଚାଟ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି କି ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଇ ହଉ, ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା? ନା ନା, କିଛି ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବା ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସମୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମିତି କ'ଣ 24 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଥାନ୍ତି କି? ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ରେଷ୍ଟ ନେବା କଥା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥି ପଢ଼ାରେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି ତାଙ୍କର, ମେଟ୍ରିକ୍ରେ ବି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ବି ରଖିଛି। ମୁଁ ପ୍ରତିମା ପରିଡ଼ା। ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ଖୁସି? ବହୁତ ତ ଖୁସି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ନ ଭାବିଥିଲି ସେଇଟା ଭାବି ପଡ଼ୁଛି, ଯେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋ ପିଲା ଏତେ ବାଟକୁ ଯିବେ ବୋଲିକି, ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଯେତେ ସଂଘର୍ଷ ଆସିଲେ ବି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମାନେ ଟିକେ କମଜୋର ହେଇଯାଉଛି, ଯେ ପିଲାଙ୍କର ଏତେ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏତେ ଲେଖା ପଇସା ଲାଗୁଛି, ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ବି ତା'ର ଇଭେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା ମୋତେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରକୁ ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଏତେ ବାଟ ନେଉଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ? ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତା, ଆଉ ଅଛି ଅଲମ୍ପିକରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଦୁଇଟା ଛୁଆଙ୍କୁ, ଇଏ ତ ଛୋଟ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ତା'ର ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିକ ଆଶା ଅଛି ସେ ଅଲମ୍ପିକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେତେ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଆମ ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତୁ, ଆଉ ଝିଅର ବି ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।